गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर टू रीड किया था, उसके हार्ड वर्ड्स किए और उसके एमसीक्यूज किए। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सन्स डिड द ओल्ड फार्मर हैव। इट मीन्स कि बूढ़े किसान के कितने बेटे थे। आंसर है द ओल्ड फार्मर हैड फोर सन्स। बूढ़े किसान के चार बेटे थे। स्टोरी हमने पढ़ी थी, मैंने उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो तुम्हें पता चला होगा कि बूढ़े किसान के चार बेटे थे। द ओल्ड फार्मर हैड फोर सन्स। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट टाइप ऑफ क्रॉप्स डिड दे ग्रो। इट मीन्स कि वो किस तरीके की फसल उगा रहे थे, उनकी फसल कैसी हो रही थी। आंसर है दे ग्रू वेरी गुड क्रॉप्स। मीन्स कि उनकी फसल बहुत अच्छी उग रही थी। उनकी फसल कैसी उग रही थी, बहुत अच्छी उग रही थी, क्योंकि वो बहुत मेहनत से उगा रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, वॉट मेड द ओल्ड फार्मर वेरी रिच। बूढ़े किसान को क्या चीज़ अमीर बना रही थी, वो जो बूढ़ा किसान था उसे क्या चीज़ अमीर बना रही थी। आंसर है हिज हार्ड लेबर मेड हिम वेरी रिच। मतलब उसका कठिन परिश्रम ही उसे बहुत रिच बना रहा था, क्योंकि खेत तो दूसरे किसानों के पास भी थे लेकिन वो उस खेत पे मेहनत नहीं कर रहे थे। लेकिन ओल्ड फार्मर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत कठिन परिश्रम कर रहा था, जिसकी वजह से उसके खेतों में अच्छी फसल उग रही थी और उस फसल को बेच के वो अच्छे पैसे कमा रहा था, और जिसकी वजह से वो और अधिक अमीर होता जा रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई कुड अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स। मीन्स कि जो गांव के दूसरे किसान थे वो अच्छी फसल क्यों नहीं उगा पा रहे थे, क्यों नहीं उगा सकते थे। तो द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज वर आइडल। जो दूसरे किसान थे गांव के वो बहुत ही आलसी थे। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क देयर फील्ड्स। उन्हें अपने खेतों पे काम करना पसंद नहीं था, वो अपने खेतों पे काम करना पसंद नहीं करते थे। सो दे कुड नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स, जिसकी वजह से वो अच्छी फसल नहीं उगा सकते थे। कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई आलसी है और वो काम नहीं करेगा तो उसका काम कैसे होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी थी कि दूसरे जो फार्मर्स थे वो आइडल थे और उन्हें अपने खेत पे काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी फसल अच्छी नहीं उगा सकते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड अदर फार्मर डिसाइडेड। यानी दूसरे किसानों ने क्या निश्चय किया, क्या डिसाइड किया। अदर फार्मर्स डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ द एरिया। दूसरे जो किसान थे उन्होंने अपने एरिया के प्रधान को शिकायत करने की सोची। क्या डिसाइड किया उन्होंने, अदर फार्मर डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ द एरिया। अपने एरिया के प्रधान को रिपोर्ट करने की डिसाइड किया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द हेड ऑफ द एरिया कम टू द विलेज। गांव का प्रधान गांव में कैसे आया, जो उस एरिया का प्रधान था वो गांव में कैसे आया। द हेड ऑफ द एरिया कम टू द विलेज इन डिसगाइज। गांव में उस एरिया का प्रधान जो है गांव में एक अजनबी यानी कि एक बहरूपिया का वेश बनाकर गांव में आया, वेश बदल कर वो गांव में आया। ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हैं। अब हम इसके बाद ग्रामर पोर्शन इसका करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर तुम्हें कॉपी में बहुत ही सफाई से कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।